फर्स्ट टॉपिक है इसका कि वर्क क्या होता है आपका, किसको बोलते हैं कि वर्क हुआ है, कब बोलते हैं वर्क नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू फिजिक्स भी। ठीक है, तो लिखिए इसमें पहले वर्क लिखिए क्या होता है। When we applied a force on the body, and body displaces, body displaces its position, okay, then work is said to be done. तो क्या बोलते हैं हम लोग कि वर्क हुआ है अभी। ओके, आपने क्या करना है, किसी बॉडी पे फोर्स लगाना है अभी, कोई भी बॉडी हो सकती है किसी मास की, इस पर फोर्स लगाया कुछ फोर्स एफ, और बॉडी चल के कहाँ चली जाए, अभी यहाँ पे पहुँच जाए या यहाँ पे चली जाए, कुछ भी करे बॉडी अपनी पोजिशन से क्या करे, हिले भी। ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम लोग कि वर्क हुआ होगा उस कंडीशंस में। सिंपल फॉर्म में ये क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे ले सकते हैं इसको। वर्क को डिफाइन करने का तरीका क्या है, अभी सिंपल डिफाइन करते हैं वर्क को। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द सिंपल फार्मूला ऑफ वर्क। भी लिखिए, डायग्राम बनाइए। यही हो सकता कि फोर्स किसी एंगल पे लग रहा हो, भाई हो सकता कि फोर्स ऐसे लग रहा हो, इट इज फोर्स एफ। मैंने वेक्टर बनाया इसको, वेक्टर पढ़ रहे हो अभी, फोर्स ऐसे लगा रहा है और बॉडी चल रही है ऐसे भी या ऐसे, कुछ तो चलेगी। ठीक है, मान लेते हैं फोर्स लग रहा है किसी एंगल के ऊपर भी, पहले तुमने ऐसे लगा था सिंपल, अब ये फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है, दिस एंगल इज थीटा भी, यस और नो। अगर आप फोर्स को रिजोल्व करते हो कंपोनेंट की टर्म में, वेक्टर में सीखा होगा, जहां पे एंगल बना हुआ है उसको लिखते हैं एफ कोस थीटा, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर लिखते हैं एफ साइन थीटा भी, यस और नो। इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी, वेक्टर कैसे रिजोल्व किया गया, कर लोगे। अब ये बॉडी चल के यहां पे पहुंच गई भी, तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट इस वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहां से यहां तक चलिए डिस्प्लेसमेंट एस भी, कौन सा फैक्टर है, एफ कोस थीटा की वजह से चली है या एफ साइन थीटा की वजह से, ऐसे तो इसकी कौन सी वजह से है, एफ कोस थीटा, इसकी वजह से मूवमेंट नहीं किया इसने आगे, कर लोगे। अगर मैं यहां पे वर्क निकालना चाहता हूं, वर्क क्या होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स का कौन सा कंपोनेंट यूज किया जा रहा है, इट इज एफ कोस थीटा इनटू कितना चला है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, एक फार्मूला ये हो सकता है वर्क का, एफ एस कोस थीटा किया गया है। अगर आपने वेक्टर में पढ़ा हुआ है, दो तरह के हमने वेक्टर की गुणा किया है, ए डॉट बी को लिखा जाता है ए बी कोस थीटा, यस और नो, और एक होता है ए क्रॉस बी, इसको लिखा जाता है ए बी साइन थीटा, यस और नो। तो दोनों वेक्टर हैं भाई, साथ में कोस भी आया हुआ है, तो कैसे लिखोगे इसको, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस लिख सकता हूँ, यस और नो, एफ डॉट एस, इसके अकॉर्डिंग वेक्टर तो हैं, कर लोगे, यस और नो। और कोई भी पता है कि जो दो वेक्टर का डॉट किया जाए आंसर में स्केलर आता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर, तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है वर्क, वर्क क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, लिख सकते हो यहाँ पे वर्क इज स्केलर, वर्क इज, वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसका नाम है नेचर ऑफ वर्क भी, नेचर ऑफ वर्क। अब वर्क किस तरह का हो सकता है अभी देखेंगे,
देखिए आपके अकॉर्डिंग और वर्क में और मे भी जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है वर्क में क्या होता है। देखिए पहला पॉइंट डालते हैं इसका, वर्क मे बी पॉजिटिव, वर्क पॉजिटिव हो सकता है, वर्क मे बी पॉजिटिव। अब किस वर्क को पॉजिटिव वर्क बोलोगे आप लोग? फिश क्या बोलती है कि आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया और वो बॉडी उसी डायरेक्शन में आगे चले जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो वर्क क्या होता है आपका? पॉजिटिव होता है। यस और नो? अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हो रहा है, एस बी एस है ये, तो वर्क जो आएगा वो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। कर पाओगे? लिखिए इसको डायग्राम के साथ, वर्क मे बी पॉजिटिव। हो गया? लिखिए इसमें पॉजिटिव कब होता है? व्हेन वी अप्लाइड ए फोर्स, व्हेन वी अप्लाइड ए फोर्स एंड बॉडी डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बॉडी डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स, देन वर्क इज पॉजिटिव। कर पाओगे? यानी सीधी सी बात ये है भाई, अगर आपको किसी बॉडी को चलाना है, रुकी हुई है, धक्का मारना पड़ेगा, या पुलिंग या पुशिंग दोनों को फोर्स बोलते हैं। यस और नो? ठीक है, जो जिस भी आपको ऑब्जेक्ट को चलाना हो तो जो वर्क कर रहे हो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वर्क मे बी नेगेटिव, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, वर्क मे बी नेगेटिव। वर्क नेगेटिव कब हो सकता है? आपने क्या किया, फोर्स लगाया किसी बॉडी पे, किसके अपोजिट लगाया फोर्स? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगा दिया। डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही है, फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इस कंडीशन में वर्क की वैल्यू क्या रहेगी? ये नेगेटिव रहेगी। वर्क क्या रहेगा? नेगेटिव। व्हेन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देन वर्क इज नेगेटिव। कोई एग्जांपल दे सकते हो इस तरह का कि आपका फोर्स डिस्प्लेसमेंट के उल्टा लग रहा है? स्लोप कैसे? अगर कोई गाड़ी चल रही है अभी, ठीक है, उसको रोकना हो तो क्या करोगे आप? उसके मोशन की उल्टा फोर्स लगाओगे। यस और नो? गाड़ी ऐसे आ रही है, ये क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट है? और आप फोर्स कैसे लगा रहे हो रोकने के लिए? ऐसे। डायरेक्शन क्या दोनों की? उल्टी हैं। यस और नो? जो आपने जो वर्क किया उसको रोकने के लिए वो किस फॉर्म में आएगा? और नेगेटिव वर्क की फॉर्म में आएगा। सीधी सी बात याद रखिए, गाड़ी को चलाना है तो वर्क पॉजिटिव रहेगा, रोकना है तो नेगेटिव रहेगा। यस और नो? ठीक है, तो वर्क क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, एंड थर्ड, वर्क मे बी जीरो। थर्ड पॉइंट है, वर्क मे बी जीरो, वर्क जीरो भी हो सकता है, वर्क मे बी जीरो। जीरो, ठीक है। जब वर्क जीरो होगा मतलब क्या है? दो कंडीशन हो सकती हैं, बताएंगे कौन कौन सी। देखिए एक बार, वर्क के फार्मूला क्या बन रहा था? वर्क में भी जीरो, तो वर्क का फार्मूला था एफ एस कोस थीटा। यस और नो? एफ एस ए कोस थीटा। वर्क जीरो कब हो सकता है? ये तो फोर्स ही ना लगाओ, फोर्स जीरो हो जाए तो वर्क का आंसर जीरो। कुछ काम किया ही नहीं आप लोगों ने, फोर्स लगा रहे हो आप लोग। अगर बॉडी चले ही ना, एस जीरो हो जाए तो वर्क जीरो, या फिर कोस जीरो हो जाए तब भी जीरो आंसर भी। यस और नो? किस पे होता है? 90 पे होता है। देखो कैसे होगा जीरो वर्क के। पहला पॉइंट क्या होगा इसका? व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। यस और नो?
डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाए? जीरो। आपने फोर्स तो लगाया, बॉडी चली नहीं, तो फिर क्या बोलती है आपके हो? कि आपने कोई काम नहीं किया। अभी वर्क की वैल्यू कितनी, गुणा करके देखो, जीरो इंटू समथिंग, आंसर क्या आएगा? जीरो। कर पाओगे? आपने फोर्स लगाया, बॉडी चली नहीं, तो वर्क कितना? जीरो हो जाएगा। अभी दूसरा कंडीशन, आपकी बॉडी ये है, अभी आपने बॉडी पे ऐसे फोर्स लगाया एफ और बॉडी ऐसे चल भी रही है, डिस्प्लेसमेंट एस, तब भी फिर से ये बोलती है वर्क की वैल्यू जीरो है, क्योंकि इन दोनों बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 बन रहा है। यस सर नो? अगर आपको यहां पे लिखे ना वर्क इज इक्वल टू, कैसे लिखोगे? एफ एस कॉस 90, दोनों रहे हैं, फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, एंगल कितना बन रहा है? 90। कॉस 90 कितना होता है? जीरो इंटू समथिंग, जीरो। तभी वर्क क्या होगा आपका? जीरो होगा। ओके तो ये कैसे जीरो हो सकता है भैया? सेकंड वाली कंडीशंस, बॉडी फोर्स भी लगा रहे हैं, चल भी रही है। देखिए ये जो चल रही है ना, इस फोर्स की वजह से नहीं चल रहे होंगे, पक्की बात है। आपने क्या किया, सिर पे सामान उठा रखा है अभी, और आप चल रहे हो, उस सामान की वेट की वजह से आप नहीं चल रहे भाई, चलने के लिए और फोर्स लगा रहे हो कोई आप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उस सामान ने आपको कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं दी हुई, तो वर्क क्या आपका? जीरो उस सामान के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट ऑफ वर्क, तो पहले डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं इसका। वर्क क्या होता भाई? सिंपल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यस और नो? यस। एफ इनटू एस, कॉस भी आता है। तो व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स? क्या होता है? एम वन एल वन ई माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का एल, यस और नो? तो कितना बनेगा डायमेंशन फार्मूला? डायमेंशन फार्मूला इज इक्वल टू एम वन एल टू टी माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क। सही है? पहले कंप्लीट, आगे करते हैं। इसके यूनिट क्या होता है? देखो भाई, दो तरह से यूनिट को कंसीडर किया जाता है यहाँ पे, एक होता है एब्सोल्यूट यूनिट, एक होती है ग्रेविटेशनल यूनिट भी। तो यूनिट में कौन कौन सी होंगी? पहला है एब्सोल्यूट यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट जो कभी चेंज नहीं होती किसी की प्रेजेंस में, एब्सोल्यूट यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट में वही पार्ट है, एक एसआई देखेंगे, एक सीजीएस देखेंगे। इसका पहला पार्ट कि एसआई यूनिट क्या होती है वर्क की, क्या होती है? जूल भी, इसको जे से लिखते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है वर्क की? जूल। कंप्लीट, तो आप वन जूल वर्क को कैसे डिफाइन करोगे? कि एक वो जूल वर्क हुआ है, फोर्स कितना है? वर्क का फॉर्मूला क्या है भाई? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल फॉर्म में देखा जाए तो। वर्क वन जूल कब हो सकता है? जो फोर्स कितना हो, वन न्यूटन्स, और बॉडी कितना चले, वन मीटर। यस सर नो? अगर किसी बॉडी पे एक न्यूटन फोर्स लग रहा है और बॉडी वन मीटर का डिस्प्लेसमेंट कर रही है, तो कितना वर्क किया? वन जूल वर्क किया गया। अभी कर लोगे? डिफाइन कीजिए इसको, लिखिए वन जूल इज दैट वर्क, वन जूल इज दैट वर्क व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स ऑफ वन न्यूटन, व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स ऑफ वन न्यूटन एंड बॉडी डिस्प्लेस वन मीटर डिस्प्लेसमेंट, बॉडी डिस्प्लेस वन मीटर डिस्प्लेसमेंट। ओके, आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया वन न्यूटन का, और बॉडी कितनी चले, एक मीटर चले भाई, तो उसको क्या बोलते हैं? कितना वर्क किया? वन जूल वर्क किया गया। अभी कर लोगे? ये इसका ऐसा यूनिट है। सेकंड लिखते हैं इसका, सीजीएस यूनिट क्या होता है? सीजीएस यूनिट क्या होती है? इसकी होती है अर्ग भी। क्या होती है? अर्ग, ठीक है। सीजीएस मतलब क्या होता है पता ना आपको? सी
सेंटीमीटर लेंथ में सेंटीमीटर में आपस आएगा, मास को ग्राम के अंदर, टाइम को सेकंड के अंदर कर लोगे। इसके अकॉर्डिंग वन सीजीएस वन अरग किसके बराबर होगा भाई, वन अरग कब होगा, फोर्स कितना होगा, वन डाइन भी याद है, फोर्स काउंट क्या होता है सीजीएस डाइन होता है, वन डाइन कितना डिस्प्लेसमेंट करे भाई, वन सेंटीमीटर का भी। अगर बॉडी पे एक डाइन का फोर्स लगता है और बॉडी एक सेंटीमीटर चलती है तो कितना वर्क किया गया, वन अर्ग वर्क किया गया भी। कर पाओगे तो डिफाइन करते हैं इसको, तो लिख लीजिए वन अर्ग इज दैट अमाउंट ऑफ वर्क, वन अर्ग इज दैट अमाउंट ऑफ वर्क व्हेन वी अप्लाई वन डाइन फोर्स, व्हेन वी अप्लाई वन डाइन फोर्स एंड बॉडी डिस्प्लेस वन सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट, बॉडी डिस्प्लेस वन सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट। कर लोगे, एक रिलेशन भी कर लेते हैं भाई, वन अर्ग किसके बराबर होता है, लिखिए वन जूल इज इक्वल टू 10^7 अर्ग भी, वन जूल किसके बराबर होता है, 10^7 अर्ग के बराबर होता है। ये निकाला जा सकता है, आपको पता होना चाहिए अगर निकाले ना फोर्स को डाइन के अंदर, 10^5 होता है भी, 10^5 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में, 10^2 कितना हो गया, 10^7 कर लोगे। ग्रेविटेशनल यूनिट एब्सोल्यूट वो मतलब होता है फिक्स भी, ये इसका चेंज हो सकता है अभी जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या क्या होता है अभी देखिए, फर्स्ट देखिए SI देखते हैं इसकी, SI यूनिट क्या होती है इसकी, क्या हो सकती है फोर्स, तो मेरे को पढ़ा नहीं अभी तक, प्रॉब्लम आएगा थोड़ा सा। देखिए इसकी होती है भाई 1 किलोग्राम मीटर, अजीब है ना, 1 किलोग्राम मीटर, ठीक है 1 किलोग्राम मीटर। इसका मतलब क्या है अभी, फोर्स कितना लगे अभी बॉडी पे, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये 1 किलोग्राम मीटर इसको 1 kgm लिख सकते हैं, 1 kgm 1 किलोग्राम मीटर। 1 किलोग्राम मीटर वर्क कब हो सकता है अभी, जब फोर्स कितना हो, ये भी किस फॉर्म में डालना पड़ेगा, ग्रेविटेशन में। वन इसका यूनिट होती है भाई 1 किलोग्राम फोर्स, kgf लिखते हैं इसको, है ना, मूवी देख ली होगी तो वही है ना, kgf 1 किलोग्राम फोर्स। ये सो कई बार 1 किलोग्राम वेट ही बोलते हैं, वेट जी के टर्म में आता है, यस और नो, एफ के वैल्यू है ये 1 किलोग्राम फोर्स या 1 किलोग्राम वेट, ठीक है। कितना डिस्प्लेसमेंट चले, 1 मीटर ही चले। अगर किसी बॉडी पे 1 किलोग्राम फोर्स लगे या 1 किलोग्राम वेट का फोर्स लगे तो, और बॉडी कितना चले, 1 मीटर चले, तो कितना वर्क किया गया, 1 किलोग्राम मीटर वर्क किया गया। कर लोगे, ये यूनिट आएंगे ना, यूनिट नंबर 3 में आएंगे भी, जब सर आपको कराएंगे उस टाइम समझ जाओगे क्या चीज़ें होती हैं। अभी लिखवा लेते हैं सर, अब इसको कर लोगे तो लिख लीजिए एक बार 1 किलोग्राम मीटर, डिफाइन करते हैं इसको, 1 किलोग्राम मीटर इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 किलोग्राम फोर्स, 1 kgf लिख सकते हो, 1 kgf व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 kgf ओके एक्टिंग ऑन द बॉडी,
एक्टिंग ऑन द बॉडी, एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेस, एंड बॉडी डिस्प्लेस 1 meter डिस्प्लेसमेंट, बॉडी डिस्प्लेस 1 meter डिस्प्लेसमेंट। कितना लगे फोर्स? 1 kilogram फोर्स। और बॉडी कितना चले? 1 meter। ये तो हो गया एसआई सिस्टम बेस का। सीजीएस क्या होगा? सीजीएस यूनिट क्या होंगे? कितना होगा भाई फोर्स अब की बार? इसका यूनिट क्या होगा सीजीएस का? 1 gram फोर्स भी, 1 gram फोर्स, सॉरी 1 gram सेंटीमीटर भी, 1 gram सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? क्या आएगा? 1 gram सेंटीमीटर। पहले किलोग्राम मीटर था, अब 1 gram सेंटीमीटर। तो कितना वर्क हुआ? 1 gram सेंटीमीटर। ये वो वर्क है भाई जब कितना फोर्स लगे? 1 gram फोर्स। समझ में आ रहा है? कितना फोर्स लगे? 1 gram फोर्स। और बॉडी कितना चले? 1 centimeter चलेगी। कितना चले बॉडी? 1 centimeter। सारा किसमें डालना है? सीजीएस में भी। हो गया? डिफाइन करो इसको भी। 1 gram सेंटीमीटर, 1 gram सेंटीमीटर इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन 1 gram फोर्स, 1 gram फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेस, एंड बॉडी डिस्प्लेस 1 centimeter डिस्प्लेसमेंट, बॉडी डिस्प्लेस 1 centimeter डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द सीजीएस यूनिट भी। कर पाओगे? बस यही था। नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। देखो हम तक अब जब वर्क कर रहे हैं उसमें मैंने फोर्स लगा दिया भाई, वो फिक्स था भाई। मैंने फोर्स लगाया 5 newton का, बॉडी चली 2 meter, उसमें फोर्स की वैल्यू क्या थी? फिक्स। अगर आप वर्क करते दौरान फोर्स की वैल्यू को चेंज करने लग जाओ तो पक्की बात वर्क भी चेंज होगा भाई। यस और नो? तो कैसे निकालोगे उस वर्क को भी, कैसे करोगे? क्योंकि फोर्स को एफ की वैल्यू फिक्स थोड़ी है। पहले था एफ एस कॉस थीटा, एफ का रखा वैल्यू, एस का रखा एंगल रखा, आंसर निकल लिया हम लोगों ने। अब की वैल्यू क्या हो रही है? एफ चेंज हो रहा है अभी, तो फिक्स तो नहीं है। तो वर्क भी कैसे होगा? चेंज होगा। समझ में आ रहा है? तो कैसे निकालते हैं उसको? देखिए उसको ग्राफ से ही निकाल सकते हैं। हमारे पास एक ग्राफ बन रहा है अभी, किसके बीच का? एक तरफ फोर्स ले लेते हैं और एक तरफ क्या ले लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और ग्राफ कुछ ऐसा बना रहे हैं कि जिसमें एफ की वैल्यू चेंज होती जाए, ऐसा बना लेते हैं। चेंज हो रही है लगातार एफ की वैल्यू, लगातार क्या हो रही है? चेंज हो रही है डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? कोई ग्राफ दे दिया जाए आपको और आपके पूछ लिया जाए ए से बी तक का वर्क निकालिए कितना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें लगातार देखिए एफ की वैल्यू बदल रही है अभी हर पॉइंट के ऊपर। ये इज वेरिएबल फोर्स, उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रही है। कर पाओगे? तो आपको निकालना है ए से बी के बीच का वर्क, या ए से बी तक पहुंचने में बॉडी को कितना वर्क करना पड़ा बाय यूजिंग वेरिएबल फोर्स। ठीक है, कैसे निकालोगे? देखिए कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, एनी पॉइंट भी, बीच में कोई भी पॉइंट हो सकता है, किसी भी पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर लाइन ड्रा करते हैं ऐसे, तो यहाँ किसका वैल्यू देगा? ये मेरे को एफ का वैल्यू देगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगा मेरे को? डिस्प्लेसमेंट का। ग्राफ ऐसे बनाते हैं हम लोग। यस और नो? फिर मैंने क्या किया, इसका छोटा सा एलिमेंट ले लिया अभी। जितना छोटा एलिमेंट लोगे ना ग्राफ उतना ही क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। कराओ है, जितना छोटा कटोगे उसमें से उतना ही क्या बन जाएगा? वो स्ट्रेट हो जाएगा। करो, ये बात पता आपको? यस और नो? करो। स्ट्रेट लाइन भी किसका पार्ट हो सकता है? जो पार्ट ऑफ ए सर्कल का पार्ट हो सकता है। अभी एक बहुत बड़ा सर्कल यूज कर रहे हैं हम लोग और इसका छोटा सा पार्ट काट लिया, ये लाइन क्या होगी? स्ट्रेट तो होगी।
इट इज स्ट्रेट लाइन। हो सकता है कोई स्ट्रेट लाइन किसका पार्ट हो, कि सर्कल का पार्ट हो, इसका रेडियस क्या हो, इन्फिनिटी हो गई। यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी जितना छोटा पार्ट यूज करोगे उतना ही लाइन क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। एनी प्रॉब्लम भाई? तो ये मैंने छोटा सा पार्ट यूज किया यहाँ पे, ऐसा कर लेते हैं और नीचे मिला दिया ऐसे भी, तो इस पूरे पार्ट का फोर्स क्या हो सकता है, सेम हो सकता है? स्ट्रेट होगा तो ऐसे सेम लाइन आएगा, कर पाओगे? ये पॉइंट को मैं सी मान लेता हूँ, ये पॉइंट कौन सा है, डी, ये ई है, ये एफ ले लेते हैं। क्या इस पट्टी की का एरिया निकाल सकते हैं आप लोग? स्ट्रिप बोलते हैं इसको, क्या इस पट्टी का एरिया निकाल सकते हैं? इसको मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक का, डीएक्स ले लेते हैं, या डीएस ले लो मर्जी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे? या सर नो, इसका एरिया कैसे निकालोगे भाई? लेंथ इंटू ब्रेथ, सिंपल रेक्टेंगल फॉर्म में बन रहा है ये, लेंथ इंटू ब्रेथ। कितना लेंथ है इसका? ये एफ है, यस और नो? और कितना ब्रेथ है? डी एक्स। तो कितना वर्क हुआ, सॉरी कितना एरिया हुआ, एफ इंटू डी एक्स। कर पाओगे? समझ में आ रहा है? ग्राफ बनाइए एक बार इसका, उसके बाद कराता हूँ। हो गया? अब देखो आपको निकालना वर्क डन भाई, तो हमारे पास एक ग्राफ है जो कि वेरिएबल फोर्स को शो कर रहा है अभी, तो लिख लीजिए, टेक ए स्मॉल एलिमेंट ऑन द ग्राफ, टेक ए स्मॉल एलिमेंट ऑन द ग्राफ, स्मॉल एलिमेंट ऑन द ग्राफ ऑफ थिकनेस dx भी, टेक ए स्मॉल एलिमेंट ऑन द ग्राफ ऑफ थिकनेस dx। कितनी मोटाई है इसकी? dx भी, सही है। अब ये सीधी सी बात ये है भाई, c से d जाने में कितना वर्क करना पड़ा मेरे को, कर लोगे? तो कैसे लिखते हैं, वर्क डन फ्रॉम c टू d, सही है। अब डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो वर्क भी क्या होगा, छोटा होगा, तो ले सकता हूँ dw स्मॉल वर्क के लिए, कर पाओगे? फार्मूला क्या बनता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल फार्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, dx। एनी प्रॉब्लम भाई? ये इक्वेशन फर्स्ट मान लूँ, कुछ भी अलग नहीं कर रहे हम लोग, सब कुछ पता हमको इन चीज़ों का, हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इस तरह की पट्टियाँ बना ली, एक पट्टी बन गई, इस पट्टी का एरिया निकाल सकते हो, तो मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ स्ट्रिप, कौन सी स्ट्रिप यूज कर रहा हूँ, सी डी ई एफ, इस पट्टी का एरिया निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना, सी एफ ले लूँ, ब्रेथ कितना, ई एफ, सही लिखा है ना, चेक करो एक बार, लेंथ है सी एफ, ब्रेथ है ई एफ, एनी प्रॉब्लम भाई? तो कितना लेंथ है, एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप सी डी ई एफ, व्हाट इज सी एफ फ्रॉम ग्राफ, सी एफ तो एफ के बराबर है, यस और नो? यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, ये एफ, कर पाओगे? तो एफ यही हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई एफ, ये तो डी एक्स के बराबर है ग्राफ से देखा जाए तो कितना हो गया, डी एक्स, इक्वेशन नंबर सेकंड। एनी प्रॉब्लम भाई? हमारे पास दो इक्वेशन आ रही हैं अभी, और दोनों इक्वेशन की राइट साइड बराबर है, तो पक्की बात है लेफ्ट बराबर होनी चाहिए, ये सर नो? अगर दो इक्वेशन की राइट बराबर हैं तो लेफ्ट भी क्या होंगी, बराबर होंगी, तो लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड भी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, मैं क्या लिख रहा हूँ, वर्क डन किस कहाँ से कहाँ तक भी, सी टू डी इज इक्वल टू, किसके बराबर है भाई, इज इक्वल टू एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख दूँ, सी डी ई एफ, सही लिखा मैंने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल तो है, सी डी ई एफ, यस और नो? इसको इसके बराबर कर दिया मैंने,
वर्क डन फ्रॉम सी टू डी इज इक्वल टू किसका, एरिया ऑफ स्ट्रिप सी डी ई एफ, ये तो लिखा है, यस सर नो, यानी आप सीधी सी बात है, ग्राफ से अगर आप एरिया निकालना चाहते हो, ग्राफ से वर्क निकालना चाहते हो तो क्या निकाल लिया, इस ग्राफ के नीचे का अपने एरिया निकाल लिया भाई, यस सर नो। आपको तो पूरा वर्क करवाना है ए से बी, तो क्या करो, ए से बी के नीचे का एरिया निकाल दो, तो क्या जाएगा आपका वर्क आ जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो टोटल वर्क कितना होगा, कैसे लिखोगे टोटल वर्क डन, कहाँ से कहाँ तक भाई, फ्रॉम ए टू बी पूरा करना है, सही है, टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, तो इस तरह का काम हर जगह पे करना आपको, यहाँ पे ले ले फिर एक पहले बैंड पर यहाँ पे ले लिया, तो हर एक स्ट्रिप का क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा, पूरे एरिया को जोड़ दूँ तो पूरे नीचे का एरिया निकलेगा इसका, तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू लेते हैं इसको, एक तरीका ये कि उसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, जोड़ने का तरीका वो भी है, या इसमें पूरा जब ये प्रोसेस करेंगे कंप्लीट हम लोग तो क्या आएगा, एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व, कर्व कौन सा यूज कर रहे हैं, ए से बी, एरिया अंडर द कर्व, इसके नीचे का जो एरिया आएगा कंप्लीट, ये क्या है इसका वर्क डन होगा, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, एनी प्रॉब्लम भाई, तो ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं अभी एग्जाम में, ये हमारे पास एक ग्राफ है अभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, यहाँ पे फोर्स है, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे लिया था ग्राफ, ये है आपकी बार वैल्यू दे रखी है, अभी यहाँ पे वैल्यू है ए पॉइंट के ऊपर, ये बी पॉइंट है आपका, यहाँ पे वैल्यू है इसका, इट इज़ 5 न्यूटन्स, भी कितना है 5 न्यूटन्स, सही है, और बी पे वैल्यू है 10 न्यूटन्स भी, कर लोगे, ए पे डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर और इस पे है 5 मीटर, सही है, तो क्वेश्चन ये होगा व्हाट इज द वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, तो क्या करोगे, सिंपल तरीका, ग्राफ के नीचे एरिया निकाल लेते हैं, यस और नो, अब जो ग्राफ की शेप बन रही है तो ये बन रही है भाई, तो क्या निकालना आपको, फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क फ्रॉम कैसे ए टू बी, सही है, ग्राफ ऐसे क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में आपको विद वैल्यूज भी, तो कैसे करोगे, दो तरीके हो सकते हैं, ये तो शेप देखो, ये शेप किसका है, ये शेप ऐसा है भाई, किसका शेप है, ट्रेपेजियम, फार्मूला क्या बनता है, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये नहीं पता तो क्या करो, इस पूरा आपका पूरे एरिया निकालना है ना, तो क्या करोगे, इसको ना इस पॉइंट को सी मान ले, इसको क्या मान लेते हैं डी, तो कैसे लिखोगे वर्क, एरिया ऑफ किसका भाई, ए बी सी डी, सही है, और इसको क्या कर सकता हूँ, दो भाग में तोड़ सकता हूँ भाई, ये ई मान लेते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल भाई, ए बी ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, कौन सी है, ए ई सी डी, समझ में आ रहा है, अगर वो नहीं पता ये कर लो, नहीं डायरेक्ट फार्मूला पुट कर दो इस शेप वाले में, ऐसे भी हो जाएगा एग्जाम्स में, देखो कितना आंसर आएगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स भाई, क्या अपना होता है 1/2, कौन सी ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, ए बी सी, कैसे करें, बी ई इंटू ए ई, सही लिखा है, बी ई इंटू ए ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ई डी सी सी डी, तो कितना लेंथ है इसका, ए डी लेंथ मान लूँ, यस और नो, ए डी लेंथ और ब्रेथ कितना है, डी सी या सी डी मान लो, सही लिखा है मैंने, पुटिंग द वैल्यूज भी, ग्राफ से वैल्यू पुट कीजिए, डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी ई फ्रॉम द ग्राफ, भी बी ई ए है भी, और ये इसके बीच का कितना वैल्यू होगा, 10 में से 5 कटाया तो कितना बचा, 5 ये हो गया, इनटू ए ई कितना है, ए ये है भाई 3, यस और नो, इनटू 3 प्लस ए डी कितना है 5, इनटू सी डी कितना है 3, तो सोल्व कीजिए 15/2 कितना हुआ 7.5 और ये 15 कितना हो गया भाई,
23.5 जूल वर्क डन हुई, 22.5 सही लिखा है, दिस इज द आंसर।